हाँ जी गाइज, मेरा नाम है लोकेश किशोर, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लोकेश किशोर। तो गाइज ये वाला पार्ट है फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल 2, जिसके अंदर अपन सीखेंगे कलर ग्रेडिंग। फर्स्ट वाले पार्ट पे अपन ने सीखा था डोज एंड बर्न एंड स्किन स्मूथ। वो वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वो वाला पार्ट पहले देख लो, ताकि ये वाली वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब गाइज कलर ग्रेडिंग मेरे हिसाब से सबको आती होगी, लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे आपकी जो नेचुरल स्किन टोन होती है उसको मेंटेन करने के बाद कलर ग्रेड कैसे करें। आपकी जो स्किन टोन होती है वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़नी चाहिए। मैं इंस्टाग्राम पर देखता हूँ लोगों की कलर ग्रेडिंग तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ में उनका जो स्किन का जो नेचुरल कलर होता है ब्राउन या ऑरेंज कलर, वो बिल्कुल भी नहीं रहता। स्किन बिल्कुल पता नहीं कौन से कलर में चली जाती। तो मैं भी स्टार्टिंग में ये गलतियाँ करता था, आजकल मैं इस पर बहुत ध्यान दे रहा हूँ। तो आप भी इस वीडियो के अंदर यही सीखोगे स्किन टोन को मेंटेन कैसे रखें, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करता है। तो गाइस ये रही वो फोटो जिसमें अपन ने स्किन स्मूथ करी थी और डोज एंड बर्न किया था। तो सबसे पहले अपन चलेंगे लाइट्स के अंदर, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, थोड़ा कम लग रहा है मुझे। ठीक है हाईलाइट को कम कर लेता हूँ यहाँ तक, शेडोज ठीक लग रही है मुझे, ब्लैक्स को कम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपन कलर्स में चलेंगे, वाइब्रेंस बढ़ाऊँगा मैं इसका, यहाँ पे ठीक लग रहा है। मिक्स में चलेंगे, सबसे पहले अपन चलेंगे ये येलो कलर में, इसका सेचुरेशन कम करके देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सही लग रहा है, और इसको मैं थोड़ा सा माइनस की साइड लेके जाता हूँ। ग्रीन वाले कलर को भी इसका भी सेचुरेशन बिल्कुल कम कर देना, ठीक है, और इसको माइनस के साइड थोड़ा सा इसका सेचुरेशन बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। ये टील कलर में चलेंगे और इसको माइनस की साइड लेके चलूँगा, इसका सेचुरेशन बिल्कुल कम। और ये ब्लू कलर में चलता है, इसको माइनस की साइड लेके चलते हैं यहाँ तक, इसका सेचुरेशन भी कम कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, और ये इसको माइनस, ये वाला कलर फोटो में नहीं तो इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको डन करते हैं। सबसे पहले चलेंगे ग्रेडिंग में, और शेडोज के लिए अपन कलर लेंगे ये ब्लू वाला, हल्का ब्लू। ठीक है, देखो अपने को यही इफेक्ट चाहिए था, ये ले लेते हैं। ठीक है, हाईलाइट्स में चलेंगे, और हाईलाइट में अपन कलर ग्रीन टाइप का ले लेते हैं। ठीक है, ये ठीक लग रहा। मिड टोन्स में चलते हैं, मुझे हाईलाइट में ये वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा था, दूसरा कलर सेलेक्ट करते हैं। आप चाहो तो नीचे से यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये कलर ठीक लग रहा है, इससे क्या मेरी स्किन टोन भी बिल्कुल एग्जैक्ट लग रही है। ठीक है, स्किन टोन नहीं बिगड़ रही। और अब चलते हैं बैलेंस करके देखते हैं, इस साइड यहाँ पे ठीक लग रहा है, यहाँ तो ब्लेंडिंग और ये ठीक हो गया। देखिए स्किन टोन नहीं बिगड़ा और कलर ग्रेड भी कर चुका है नॉर्मल वाला। अब चलते हैं इफेक्ट के अंदर, इसकी मैं थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ा देता हूँ और इसका मैं विग्नेट भी कम कर देता हूँ, यहाँ पे ठीक लग रहा है। डिटेल में चलेंगे, इसकी शार्पनिंग बढ़ा देता हूँ मैं, ताकि फोटो शार्प हो जाए। और मास्किंग टूल का यूज करेंगे यहाँ पे अपन, ताकि सिर्फ अपनी एजेस शार्प हो। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। स्किन टोन को अगर आप और इम्प्रूव करना चाहते हो तो मिक्स में चलेंगे, यहाँ पर जो ये ऑरेंज कलर है स्किन का, इससे छेड़छाड़ करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सही है, ये ठीक लग रहा है मुझे, यहाँ से डन करता है। टेम्परेचर देखिए, टिंट को ये ठीक हो गया। ये देखिए पहले ऐसी थी और ये अब ऐसी हो चुकी है। सेलेक्टिव टूल में चलेंगे और यहाँ से अपन ये सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक एंड होल्ड करेंगे, इन्वर्ट में चलेंगे और इसकी मैं क्लियरिटी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड थोड़ा सा HD टाइप का हो जाएगा क्लियरिटी बढ़ाने से। ये हो चुका है और ये देख सकते हैं, ये देखिए एकदम मस्त हो चुकी है। वापस चलेंगे लाइट में और थोड़ा सा कर्व से छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे बीच में एक डॉट बना देता हूँ, यहाँ पे एक डॉट और यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा उठाऊँगा इसको, ताकि थोड़ा सा फेड आ जाए फोटो में। ये ठीक लग रहा है, एक डॉट यहाँ पे बनाता हूँ और इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ। ये देखिए हल्की सी फोटो में साइन आ गई। अगर आपको ज़्यादा साइन चाहिए तो इस वाले जो सबसे ऊपर वाला डॉट है, ये वाला, इसको और ऊपर ले जा सकते हैं, बट मैं बोलूँगा बिल्कुल हल्का सा चेंज करना आपको। ये देखिए यहाँ पे ठीक लग रहा है और ये डन।
तो ओवरऑल अपनी फोटो बहुत ही तगड़ी एडिट हो चुकी है। यहाँ पे टील एंड जो ये ब्राउन कलर है दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा जज रहा है इस फोटो के अंदर, ठीक है। और स्किन टोन का आप नोटिस करो तो बिल्कुल नेचुरल लग रही है, इतनी अच्छी कलर ग्रेडिंग के बाद भी फोटो में बिल्कुल अच्छे से स्किन टोन मेंटेन है, देख सकते हैं बिल्कुल भी यू नहीं लग रहा फेक स्किन टोन है, ठीक है, एकदम नेचुरल वाली। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइस ऐसे ही ट्यूटोरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय।